नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसे लास्ट 4-5 दिनों से मैंने लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस के ऊपर मैंने प्रॉब्लम स्टार्ट किए, वही कंटिन्यू करते हैं, ये पूरे प्रॉब्लम्स ख़त्म कर लेते हैं, बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं पहले कैसा है। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, इन एन असेंबली ऑफ टू पार्ट्स 50 mm नॉमिनल डायमीटर। आपको नॉमिनल डायमीटर कितना दिया है, 50 mm दिया है। द लोअर डेविएशन ऑफ होल इज़ ज़ीरो। ओके, ये जो लोअर डिवीजन रहेगा ये क्या आपका जीरो है। ओके, एंड द हायर इज 4 microns। इसके ऊपर का जो अपर लिमिट रहेगा होल का वो कितना है, 4 microns है। वाइल दैट ऑफ शाफ्ट इज -4 and -8 microns। शाफ्ट का जो टॉलरेंस दिया है अपर और लोअर लिमिट वो कितना दिया है, -4 और -8 दिया है रिस्पेक्टिवली। इस्टिमेट अलाउंस एंड स्टेट द टाइप ऑफ फिट। इसके पहले जो प्रॉब्लम हुए थे उसमें कैसा था, आपको 50 अपर माइनस ऐसे दिया था, ऐसे कुछ इस तरह से दिया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दिए, आपको वो कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो ये है कि अगर असेंबली के दोनों भी नॉमिनल डायमीटर 50 है, मतलब होल का भी साइज 50 रहेगा और शाफ्ट का भी 50 रहेगा, फिर उसके हिसाब से आपका लोअर और अपर डिवीजन रहेगा। पहले क्या कर लेते हैं, होल का निकाल लेते हैं आंसर। आपका होल का साइज कितना है, 50 है, नॉमिनल साइज 50, और आपका लोअर डिवीजन क्या है, होल का जीरो है, मतलब आपका ये लोअर लिमिट क्या रहेगा, आपका 50 रहेगा। और फिर उसके ऊपर क्या दिया है उन्होंने, द लोअर डिवीजन इज ऑफ होल इज ज़ीरो एंड द हायर इज 4 microns। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, आपका लोअर डिवीजन, लोअर लिमिट कितना हो गया होल का, 50 हो गया है। क्यों 50 हो गया, क्योंकि आपका लोअर लिमिट क्या था, ज़ीरो था। फिर उसके बाद हायर लिमिट, हायर लिमिट में क्या करना पड़ेगा आपको, 50 plus 0.004 microns उसको ऐड करना पड़ेगा, आपका ये हायर लिमिट आ गया। शाफ्ट के लिए निकालना है, शाफ्ट के लिए क्या दिया है, -4 और -8 दिया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो हायर लिमिट निकालने के लिए 50 माइनस क्या करना पड़ेगा, 004 करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 49.996 आएगा। सेम लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट का 50.000 माइनस कितना है ये, 8 microns है, 8 microns को कैसे लिखते हैं, 0.008, तो ये कितना आएगा, 49.992 आएगा। अभी उसके बाद क्या पूछा है उन्होंने, आपको अलाउंस पूछा है। आई बात समझ में, कैसा है, देखो पहली बात तो आपको ये समझ में लेना है कि आपका जो लो होल का जो लोअर लिमिट है वो ज़ीरो है, तो अगर वो ज़ीरो है तो आपकी नॉमिनल साइज़ क्या है, 50 है, तो लोअर लिमिट हो गया है 50। फिर उसके ऊपर अपर लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 4 microns प्लस करना पड़ेगा, वो किया। फिर शाफ्ट, शाफ्ट का दिया था -4 और -8, मैंने तो 50 में से क्या किया, -4 microns और -8 microns माइनस किया, तो मेरे हायर लिमिट और लोअर लिमिट आ गए। अभी मुझको अलाउंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसका होल का लोअर लिमिट और शाफ्ट का अपर लिमिट लेना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अलाउंस मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अलाउंस इज इक्वल टू होल लोअर लिमिट माइनस शाफ्ट अपर लिमिट। तो क्या है, होल का लोअर लिमिट क्या है, 50 है, शाफ्ट का अपर लिमिट क्या है, 49.996 है, तो वो कितना आएगा, देखो 0.004 microns। मतलब क्या है, अभी यहाँ पे क्या रह रहा है, शाफ्ट होल जितना भी छोटा जितना कम साइज़ का मैन्युफैक्चर कर सकते हो उतना किया, और शाफ्ट जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना किया, फिर भी उसमें क्या हो रहा है, +4 microns का टॉलरेंस है, तो ये कौन से टाइप का फिट है, क्लियरेंस टाइप का फिट है। ऐसा ये टोटल प्रॉब्लम था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।